एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की, और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपनी कपनिया अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है, और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा निमिसरण। जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था, तो बहनों और भाइयों ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे? आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती देने वालों को स्वीकार करेगा क्या भारत?